हाँ भाई, राम राम, कैसे आप सभी लोग। मैं देवधर अग्रवाल। अभी सबसे पहले मैं आपको कुछ मेजरमेंट के वीडियो बताना चाहता हूँ, मतलब मेजरमेंट आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। देखो, ये डीएसओ के अंदर ना बेसिकली आपको अगर पूरा मेजरमेंट देखना है कि कहाँ है, तो सबसे पहले ना आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर ना मेजर का बटन दिया हुआ है, ये देखो दिख रहा है मेजर का बटन, इसको दबाओगे ना तो यहाँ पे एक आपको लिस्ट खुल जानी है इस तरीके से। और इस लिस्ट के अंदर ना आप यहाँ पर मेजर ऑल है, आप इसको क्लिक करोगे ना तो ये ऑन हो जाएगा और आपको यहाँ पर पूरी तरीके से मेजर बताएगा, जो कि बेसिकली वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी बेस पर होगा। ठीक है, तो अलग अलग चैनल पर अलग अलग मेजर बताएगा, ये चैनल करके आपको मेजर यहाँ पे। देखो, ये सारे डॉट 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 दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो चैनल अभी एक्टिव नहीं है, जो चैनल एक्टिव है वो ऊपर का है, तो इसलिए आपको ऊपर में आपको मेजरमेंट दिखाई देगा। आप यहाँ पर चाहो तो सोर्स भी ले सकते हो, चैनल 1, चैनल 2, आपको खाली चैनल 2 का देखना है तो आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो। ठीक है, स्टेटस की, तो इस तरीके से स्टेटस अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप देखो एक मैक्सिमम यहाँ पर आपको मेजरमेंट का एक बॉक्स यहाँ पर खुल के आ जाता है सामने, तो वो भी आप देख सकते हो, साथ में स्टेटस भी आपको चलते हुए दिखाई देंगे। तो इस तरीके से, जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैंने इसको डीसी से कनेक्ट करके रखा हुआ ना, तो इसलिए मेरा जो वोल्टेज बता रहा है वो 4.2 बता रहा है और मैंने जो डीसी से वोल्टेज दिया वो 4.1 है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, नोटिस करना, ये देखो देखो मैंने जो डीसी से वोल्टेज दिया ना 4.1 है, पर यहाँ पर एक एक्चुअल वोल्टेज हमें दिखाई दे रहा है जो कि 4.2 है, पर ये आप देख सकते हैं ना वी मैप्स में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्या, और ये फ्रिक्वेंसी भी यहाँ पर आपको, पर ये जो चीज है ना ये चैनल के हिसाब से चीज है, जो ऊपर है ना भी आपको वोल्टेज के हिसाब से, क्योंकि फिलहाल तो ये डीसी है ना, तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको इस तरह से पूरा देख रहा है तो एक साथ देख सकते हैं, अगर आपको पूरा नहीं देखना है तो आप इस मेजरमेंट को ऑफ करके आप यहाँ पर भी आप सेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे स्टेटस को भी ना ऑफ करना है, तो मैं स्टेटस को ऑफ कर दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे यहाँ पर ना अपने पैरामीटर्स डालने हैं, तो यहाँ पर ये जो लाइन दी हुई ना इसके बगल में जो बटन दिया हुआ ना, इस बटन का यूज करना है। कैसे, सबसे पहले तो ये मेनू पर समझना है, मेनू को ना दबाने से दो चीज आती है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। वर्टिकल में आपके सारे वोल्टेज वाले पैरामीटर है और हॉरिजॉन्टल में आपके फ्रिक्वेंसी के पैरामीटर है। जैसे मुझे फ्रिक्वेंसी का पैरामीटर रखना है, फ्रिक्वेंसी, तो एक ये दबाना तो देखो एक फ्रिक्वेंसी आ गई यहाँ पर। ठीक है, और अब मुझे देखो एक वोल्टेज का एक फ्रिक्वेंसी का, जैसे मुझे फॉल टाइम राइज टाइम रखना है तो एक राइज टाइम ले लिया, अब मुझे वर्टिकल में चला गया। अब मैं वापस क्या करूंगा, मैं एक वोल्टेज मैक्सिमम ले लिया, वोल्टेज मिनिमम भी ले लेता हूं, तो ये देखो कि मिनिमम कितने तक जा रहे हैं, क्या वो नेगेटिव तक भी जा रहे हैं, ये करके। तो इस तरीके से मैं ले सकता हूं वोल्टेज एम्पलीट्यूड ले सकता हूं, तो इतना 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, टोटल 5 आप यहां पर चीजों को ले सकते हैं। अब आप सपोज इसके ऊपर कुछ लेते हैं, जैसे मान लो मैं यहाँ पर पीक टू पीक लेता हूँ ना, तो वो क्या होगा, आखिरी वाला चेंज हो जाएगा। देखो जिस तरह से यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ना, तो ये पहला वाला सरक गया, अब ये आगे बढ़ गया, इस तरीके से भी ये होता है। तो इसी तरीके से हम कुछ मेजरमेंट को चेक करते हैं। यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है ना, ये देखिए ऑटो, तो बेसिकली क्यों, क्योंकि अभी हमने जो हमारा टिगरिंग है ना वो अभी ऑटो मोड पे है यहाँ पर, और आप देख सकते हैं ये जो ऑटो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये टिगर का ऑटो है यहाँ पर। जैसे मैं इसको कर देंगे नॉर्मल, तो देखो यहाँ पर वेट आ गया, अब वो क्योंकि वो सिग्नल को ढूंढना चाह रहा है, और सिग्नल तो वो भी सिग्नल तो वो भी यहाँ पर वेट आ गया, तो ये ऑटो का, तो ये आप समझ गए होंगे कि ऑटो क्यों आता है, क्योंकि टिगर पर है। दूसरा, यहाँ पर जो ये फ्रिक्वेंसी दिखाई देती है ना, ये फ्रिक्वेंसी आपकी ये फ्रिक्वेंसी है जिसका आपको यहाँ पे बार दिखाई दे रहा है, जो कि आप यहाँ से मैनुअल एडजस्टमेंट करते हो। ठीक है, और यहाँ पर आपको सैंपल दिखाई देंगे कि बेसिकली कितना सैंपल पर सेकंड यहाँ पर देखा जा रहा है। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पर आपकी फ्रिक्वेंसी और मेजरमेंट और डीसी का मेजरमेंट होता है। तो ये वीडियो इतना यहीं तक, आपको कैसा लगा है अभी तक के पार्ट, और अगर आपको कोर्स लेना तो कोर्स ले सकते हैं। बाकी मैंने उस कोर्स के अंदर इस डीएसओ का भी कंप्लीट और प्रैक्टिकल के साथ डाला है, प्लस मैंने 100 के भी वीडियो डाले हैं, जो कि पीसी ऑसिलोस्कोप है, जिसमें मैं आपको दिखाई देता हूँ, ये देखिए, जिसके अंदर हैंडटेक का काम भी है और यहाँ पर लॉजिक एनालाइजर भी है, जो कि 16 चैनल का है, काफी बढ़िया चैनल लगा मुझे और परफेक्ट ही लगा एक तरह से, मल्टीमीटर से तो बेस्ट है, मतलब डीएसओ मल्टीमीटर से। सो थैंक यू वेरी मच, ये वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मेहनत आपके लिए की है। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही कम फीस में आप सीख सकते हैं आईफोन का मास्टर सर्किट लेवल का कोर्स, वो भी ऑनलाइन। अब दुकान पर काम के साथ सीखो भी। इस कोर्स में आपको मिलेगा रिगल 4 चैनल डीएसओ और यूटीडी 2 चैनल डीएसओ की कंप्लीट ट्रेनिंग, जिसकी फीस मार्केट में 20 से 80 हजार तक होती है। अभी डाउनलोड करें एशिया टेलीकॉम आईफोन मास्टर ऐप प्ले स्टोर से।